सभी भाइयों को पंडित डाई फार्म की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका पंडित डाई फार्म की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको भूरी भैंस की मिल्किंग दिखाने वाले हैं। सुबह इसका दूध लगभग 5-6 बजे निकला होगा और अभी भी यही टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। ये आपके सामने मनोज बैठा हुआ है, ये भैंस पस मारा है। कौन सी मनोज? हाँ। खाली बाल्टी दिखा दे एक बार। दे दे तो भाई खाली बाल्टी। अगले थोड़ा मेरी खाली वाले। बहुत ही बढ़िया प्यारी धारा है ऐसी। बाकी आप हमारा फार्म देख सकते हो आगे। ये सारी हमारी घर की बफेलो जनरेट लाइन में बंधी हुई हैं। बाकी पिछले दो शेड्स में हमारी खरीद वाली भैंसें रहती हैं। अगले थोड़ा दूध निकालिए, दिखाइयो। अभी ये दूध निकालने वाला लड़का थोड़ा नया है। तो अगर आपको अपने फार्म की मैनेजमेंट करनी है और अपने फार्म को आगे तक ले जाना है तो 3 चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है लेबर, उसके बाद अपने फार्म की फीड और उसके बाद अपने फार्म की ब्रीड। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके फार्म को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं और वहीं पर ख़त्म कर सकती हैं जहाँ पर है। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। हाँ ले जाए, फटाफट कर दें। नहीं इधर मैं काटूंगा। ये दो गिर के काफ खड़े हैं। खींच के निकाल फटाफट। देखो कितने आराम से खड़ी है, वैसे बिल्कुल शरीफ है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, भूरी भैंस को पहलवानों की भैंस भी कहते हैं क्योंकि इसके दूध में घी जो होता है अच्छा बनता है। इसके दूध से मक्खन, घी, पनीर जितना भी बनता है, फैट भी दूध में थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसे पहलवानों की भैंस कहते हैं। पहलवान रखना इसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही सीधी और अच्छी भैंस होती है, भूरी भैंस होती है, इसलिए अभी हमने अपने घर पर ही रखी हुई है। निकाल फटाफट निकाल। अगर किसी भी व्यूअर को हमसे भैंसे खरीदनी हो या किसी भी कस्टमर को हमसे भैंसे खरीदनी हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे इधर से महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हर जगह माल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। मिनिमम 6 बफेलोज़ की डिलीवरी होती है क्योंकि अगर हम 1-2 वहाँ डिलीवर करेंगे तो चार्जेस ज़्यादा रह जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के। साथ में परमिट जो होता है, साथ में लेबर, खाने का सब इंतजाम हमारा रहता है। तो कोई भी अगर पशु लेने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप हमारे इधर आके 2-3 दिन आराम से मिल्किंग देख सकते हो, उसके बाद पसंद करके अपनी बफेलोज दे सकते हो। छः मिनट हो गए तो निकालते हो तुझे। हाँ दूध तो ज़्यादा है, निकाल दो फटाफट।
पूरी मिल्किंग के दौरान भैंस हिली भी नहीं, आप देख लो कितनी अच्छी भैंस है। बिल्कुल घरेलू भैंसें होती हैं हमारे यहाँ करनाल एरिया की, चाहे उसके नीचे बच्चा बैठ जाए या सारा दिन कोई खेलता रहे, हिलेगी भी नहीं, बच्चे का कोई लाड नहीं करती, बहुत प्यारी भैंस है। हट जा छोड़ दे, आ जा बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं आप देखो, खाली हो गया बिल्कुल। आ जा बस, ये देख लो आप, ये 11 किलो की बाल्टी है, अगर हम फैना वगैरह सब हटा दें तो 8-8.5 किलो बिल्कुल आराम से होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।